हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में आपको एफ्टर फोकस से ब्लर मारना सिखाएंगे और वो भी आपका फोटो में क्वालिटी बहुत ही कम घटेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेना। तो पहले कलर रिटच कर लेंगे, उसके बाद ब्लर मारना सिखाएंगे। उसके बाद आपको ऐड फोटो पर अपना फोटो ऐड कर लेना है। तो चलिए हम अपना फ़ोटो ऐड कर लिए हैं। अब फोटो ऐड हो जाने के बाद अब आपको अपना फ़ोटो पर आ जाना है। अब आपको यहाँ से फिर से आपको बैक आ जाना है और एक प्रीसेट को ले लेना है। तो प्रीसेट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते। तो मेरा प्रीसेट आ चुका है। अब आपको यहाँ से कॉर्नर में जो 3 डॉट दिखेगा उस पर क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर कॉपी सेटिंग पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको जो दोनों खाली जगह टूल्स और जियोमेट्री का उसको सही कर लेना है। उसके बाद आपको टूल्स के कॉर्नर में क्लिक करना और क्रॉप वाला ऑप्शन को हटा देना। अब बैक कर लेना है और आपको यहाँ से डन कर लेना है। उसके बाद आप बैक करके फिर से अपने फ़ोटो पर आ जाना है। तो फोटो पर आ जाने के बाद आपको फिर से 3 डॉट पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको पेस्ट सेटिंग पर क्लिक कर देना। तो देख सकते हैं मेरा पूरा बैकग्राउंड बदल चुका है। तो देख सकते हैं, अब आपको थोड़ा सा कलर रिटच कर लेना है। तो उसके लिए आपको यहाँ से लाइट वाला टूल पर आना है, उसके एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ाना है और हाईलाइट को थोड़ा घटा देना है, शेडो को भी हल्का सा घटा देना, उसके बाद उसके वाइट को भी थोड़ा घटाना है। अब आपको आ जाना है कलर वाले टूल पर आ जाना है। कलर वाले टूल पर आने के बाद अब आपको यहाँ से विवरेंस को थोड़ा सा घटा देना, जैसे 28 रख लिए हैं। अब आपको यहाँ से मिक्स टूल पर क्लिक कर देना है और थोड़ा सा कलर रिटच कर लेना है। तो जैसे मेरे फर्स्ट वाले कलर का सेचुरेशन को थोड़ा बढ़ा देना और इसके ह्यू को भी 8 रखना है, नहीं को बढ़ा देना है तो 20 रख लेना है। सेचुरेशन को भी 8 या 10 रख लेना है, जैसे आपको ठीक लगे। उसके बाद सेकंड वाले कलर का सेचुरेशन को घटा देना है। अब आपको दूसरे कोई भी कलर में कुछ नहीं करना, आपको डन कर लेना है। उसके बाद आपको इफेक्ट वाला टूल पर आ जाना है और उसकी क्लैरिटी को थोड़ा सा कम कर देना, जैसे 34 कर लेना। उसके डीएच को थोड़ा सा बढ़ा देना है, भिगनेट को कम कर देना है, उसके मिड पॉइंट को भी कम कर देना है। अब आपको डिटेल्स वाला टूल पर आ जाना है और उसके शार्पनिंग को बढ़ा देना है और डिटेल्स को भी बढ़ा देना है। नॉइस को हल्का सा 2-4 रख लेना है और कलर नॉइस को भी उसी तरह रहने देना है। अब आपको यहाँ से शेयर पर क्लिक करना है और फोटो को अपना सेव कर लेना है। तो मेरा फ़ोटो सेव हो चुका है। अब आपको इस फोटो पर ब्लर मारना, तो उसके लिए आपको एफ्टर फोकस ऐप को ओपन कर लेना है। तो एफ्टर फोकस ऐप को ओपन कर लेने के बाद सबसे ऊपर वाले टूल्स पर क्लिक करना है और अपने मॉडल पर कुछ इस तरह से आपको ब्रश कर लेना है। तो ब्रश कुछ इस प्रकार से करना कि मॉडल से बाहर ब्रश नहीं जाए। तो अब मेरा पूरे मॉडल पर ब्रश हो चुका है। अब आपको यहाँ से थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना और उसको कुछ इस प्रकार से उस पर भी अपने बैकग्राउंड पर ब्रश कर देना है। तो आप जहाँ जहाँ आपको ब्लर करना है तो वहीं पर ये मार्क कर लेना है। तो चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी में हम ब्रश कर लेते हैं। तो अब देख सकते हैं मेरा पूरा ब्रश हो चुका है। अब आपको यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है। तो अगर उस बैकग्राउंड ब्लर को एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर ब्लर पर क्लिक करना है
और अगर ब्लर आपको ज़्यादा बढ़ाना तो उसको यहाँ से बढ़ा लेना है, अगर कम करना तो घटा देना। अब आपको एपर्चर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आपका बैकग्राउंड में बोके लाइट देना तो उसके लिए आपको बोके पर क्लिक कर देना है और उसके बोके साइज़ को बढ़ा देना। तो मेरा बैकग्राउंड में बोके लाइट नहीं एडजस्ट हो रहा, तो उसके कारण बोके लाइट मेरा बैकग्राउंड में नहीं आएगा। तो इसी से आपको बोके लाइट देना। अब आपको यहाँ से सेव पर क्लिक करना है, फ़ोटो को सेव कर लेना है। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।